जो सिपाही थे, उनके सैनिक थे पाकिस्तान के, उनको मौत के घाट उतार कर उनके सिर कलम करके उनके सिर लेकर के भारतीय सीमा में आ गए। मेरे AK-47 की 30 गोली लगी हुई थी। देख सकते हैं आप AK-47 की गोलियों के निशान। हम गले मिलकर के जाते थे क्योंकि हमें ये पता नहीं होता था कि कल की सुबह हम वापस जिंदा मिलेंगे या नहीं। आठ महीने तक मेरे को कोई भी सूरज की किरणें वगैरह नहीं लगने दी। राहुल गिंडी बंद रहा था 15 दिन तक। उत्तराखंड के सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों थे। जो रियल लाइफ के हीरो होते हैं वो अपन को 2-3 घंटे मनोरंजन करवा सकते हैं, लेकिन वो अपने रियल हीरो नहीं हो सकते। नमस्कार, अपन सब ने फिल्में तो देखी हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सबको अपन ने रियल लाइफ में देखा है, लेकिन आज मैं आपको एक रियल लाइफ के हीरो से मिलाने जा रहा हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुन्ना लाल जी मुंडेल। आप मुंडवा नागौर के रहने वाले हैं, आप भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार हैं। आज आपने यहाँ पर अपने बेटे का नीट में PCP कोचिंग में एडमिशन करवाया है। आप शौर्य चक्र विजेता हैं। आपको एक घटनाक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके माध्यम से। सन 2003 में पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सीमा में घुस करके और 4 भारतीय जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया, और उसके बदले की कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने लगभग 1 महीने बाद में 18 सितंबर को पाकिस्तानी पोस्ट को बहुत अच्छे से नेस्ताबूद कर दिया, और यहाँ तक कि उनके 16 जो सिपाही थे, उनके सैनिक थे पाकिस्तान के, उनको मौत के घाट उतार कर उनके सिर कलम करके उनके सिर लेकर के भारतीय सीमा में आ गए। मैं चाहूँगा शौर्य चक्र विजेता आदरणीय मुन्ना लाल जी मुंडेल, जो कि रियल लाइफ के हीरो हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि मुन्ना लाल जी ये पूरा घटनाक्रम क्या था। ये 11 अगस्त 2003 को हमारे 4 जवान पेट्रोलिंग में जा रहे थे, उनके ऊपर अंबूस और घात लगा के पाकिस्तानी जवान और मिलिट्री दोनों ग्रुप एक साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक किया, चारों को शहीद कर दिया। चारों को शहीद करने के बाद में हमने उसको वापस 18 सितंबर 2003 को उनके वापस एक चौकी के ऊपर कार्रवाई की। उसमें से करीबन 15-16 पाकिस्तानी जवान थे, उनके हथियार, उनके जवानों के सिर कलम करके हम वापस अपने क्षेत्र में वापस आ गए। उसमें से हम मेरे एक हम 12 जवान थे, जिसमें से मेरे एक चोट लगी थी जब हमने फाइट की थी उनके संतरी से। उस टाइम हम मेरे AK-47 की 30 गोली लगी हुई थी। उसके बाद आपके 30 गोली लगी सीने पे या बॉडी पे, कहाँ पैर पे? आप दिखाएंगे मेरे को पैर पे? ओहो, देख सकते हैं आप AK-47 की गोलियों के निशान, जो पाकिस्तानी सैनिकों ने जो इनके ऊपर गोली चलाई थी उनके निशान है, दिख रहा है आपको? पूरा पैर जख्मी था, तो इस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि आपको काफी दिन बेड पे भी रहना पड़ा होगा। 8 महीने हमने उधमपुर हॉस्पिटल में एक सेपरेट रूम में ट्रीटमेंट हुआ था। 8 महीने तक मेरे को कोई भी सूरज की किरणें वगैरह नहीं लगने दी। घर पे 1 महीना रेस्ट किया था, उसके बाद में 6 महीना और कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता रहा। करीबन मैं 13 महीनों से मतलब वहाँ से चलना सीखा था, और आज मैं मेरे जगह पर सही सलामत हूँ। और जो भी मैंने काम किया था देश के लिए, आज मेरे को गर्व है। बहुत शानदार। आदरणीय मुन्ना लाल जी मुंडेल ने अपनी पूरा जो घटनाक्रम था 2003 का, उसके बारे में बहुत अच्छे से अपन को बताया है। और वास्तव में अगर इन घटनाओं को अपन सुने तो ये मान लो कि अपन जो रियल लाइफ के जो हीरो देखते हैं, ये इनके सामने कुछ भी नहीं है। किन विकट परिस्थितियों में ये लोग जाकर के देश की सीमा पे 24 घंटे अपनी सेवा करते हैं, और उसकी वजह से हम सब लोग अपने घरों में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी पर अपन सब लोग महफूज रहते हैं, ये बात देखने लायक है। अब मैं एक सवाल इनके साथ, आदरणीय मुन्ना लाल जी मुंडेल के साथ, मेरे परिवार के सदस्य कहूँ या मेरे गांव के सदस्य कहूँ, रिटायर्ड हवलदार आदरणीय कुंभाराम जी भी इनके बगल की पोस्ट पे ही उस समय 2003 में अपनी ड्यूटी कर रहे थे,
तो मैं चाहूँगा कि आज ये इनके साथ आए हैं इनके बेटे का एडमिशन कराने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय कुंभा राम जी जो मेरे खुद के गांव से हैं, भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार हैं, वो भी इस 2003 की जो ये घटनाक्रम था उसके बारे में अपने शब्द हमें कहेंगे। जय हिंद। मुनालाल जी मुंडेल आज काफ़ी दिन बाद में मिले हैं और बहुत खुशी हुई इनको देख करके, क्योंकि हमारी बटालियन के जो ऑपरेशन हुआ था 2003 में, जब पाकिस्तान के न्यू एलपी पोस्ट पे हमला करके और 15-16 पाकिस्तानियों के गर्दन वहाँ से लेके आए थे, उनके हथियार लेके आए थे, उस ऑपरेशन में इनके दोनों पांव जख्मी हो गए थे, एक माइन भी ब्लास्ट हो गया और एक पैर में एक एक ब्रश लगे हुए काफ़ी। तो बहुत खुशी हुई हमें मिल करके, क्योंकि हमारा जो उस टाइम का जो साथ था वो एक बेहतरीन साथ था। हम जब शाम को कहीं भी जाते थे पेट्रोल में एम्बुस में, तो हम गले मिलकर के जाते थे, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता था कि कल की सुबह हम वापस जिंदा मिलेंगे या नहीं। तो बहुत बहुत खुशी हुई है मुनालाल जी से मिलकर के, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पूरा राहुल पिंडी बंद रहा था 15 दिन तक, मुशरफ वहाँ पे सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों थे, और हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए उसके बाद तो 1.5 साल तक लगातार हमले चलते रहे, लेकिन हमने सारे के सारे हमलों को वहाँ पे विफल किया और देश की रक्षा की। बहुत शानदार, दोनों रिटायर्ड जवान कहें या हवलदार कहें, भारतीय सेना के दोनों रिटायर्ड सुरक्षा कर्मियों ने अपने जज्बात अपन को बताए, 2003 का पूरा घटनाक्रम अपन को बताया। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो रियल लाइफ के हीरो होते हैं वो अपन को 2-3 घंटे मनोरंजन करवा सकते हैं, लेकिन वो अपने रियल हीरो नहीं हो सकते। इसलिए मैं सभी आज की इसी जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो उस रियल लाइफ के हीरो हैं उनको फॉलो करने की कोशिश ना करें, ये जो रियल लाइफ के हीरो हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करें, जो कि इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी विकट परिस्थितियों में वहाँ जाकर के बॉर्डर पर जाकर के 24 घंटे देश की हिफाजत करते हैं, देश को महफूज रखने की अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं। मैं आज बहुत गौरवान्वित हूँ कि भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार मुन्ना लाल जी मुंडेल आज हमारे बीच में हैं, और इन्होंने अपने बेटे का दाखिला अपनी PCP कोचिंग में नीट में इन्होंने करवाया है। और वो यही कहूँगा कि 2003 में जब एक महीने बाद में जब ये लगा था कि भाई पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया, उसका बदला लेने के लिए जस्ट एक महीने बाद इन्होंने 16 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, उनके पूरे हथियार ले आए, उनका पूरा अलसा वहाँ से ले आए, और उन यहाँ तक कि उनके सिर भी धड़ से अलग करके काट करके वो ले आए, इतना ज़्यादा उनके इनके दिमाग में उनके प्रति प्रतिशोध था। तो अपन समझ सकते हैं कि किन विकट परिस्थितियों में ये लोग वहाँ ड्यूटी करके कितनी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा करते हैं। मैं सलूट करता हूँ संपूर्ण भारतीय डिफेंस को, संपूर्ण भारतीय सेना को, जो इन विकट परिस्थितियों में भारत की सीमा को महफूज रखने में कामयाब है। जय हिंद, जय भारत।